मैडम, ऐसा चावल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, पूरी क्षेत्र की गारंटी ले रहा हूँ। अरे कुसुम, तुमसे नहीं बोल रहा, तुम तो आलू टमाटर की सब्जी बना लो। अरे ग्राहक से बोल रहा हूँ मैडम, ये देखिए चावल। अरे आप इधर देखिए ना मैडम, चावल। अरे चावल तुम्हें नहीं दिखा रहा हूँ, ग्राहक को दिखा रहा हूँ। चुप हो जाओ। अच्छा बाद में बात करता हूँ तुमसे। ये मैडम बीबी हमारी ऐसी परेशान कर देती है, आलू टमाटर बना लूँ, आलू गोभी बना लूँ, फलाना बना लूँ, ढिकाना बना लूँ, पागल बना रही है, कुछ बना रही है। अरे क्या हुआ मैडम, चावल का ले जा रही हो? अरे भाई साहब, हमें ना सारे चावल चाहिए। अरे हम भंडारा कर रहे हैं। अरे भाई साहब, पूरा कट्टा तो आप ले जाओगे, पहले रेट समझ लो। ये यहाँ का चावल नहीं है, ये आपको मालूम है कहाँ का चावल है? अरे कहीं का भी हो, हम ले लेंगे, इतना अच्छा चावल है, ऐसा चावल तो हमने आज तक देखा ही नहीं। तो देख भी नहीं पाओगे आप, ये यहाँ का चावल है नहीं है। इस चावल का नाम है काला नमक चावल, और ये पता है कहाँ उगता है? काला पानी सुना है आपने, काला पानी की जेल। बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी गए थे वहाँ पर, यहाँ से हजारों मील दूर है, वहाँ के काले पानी में बनता है काला नमक चावल। पूरे क्षेत्र में किसी के पास नहीं है, यहाँ रख दीजिए। तो अब नमक डालने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं फिर? नहीं नहीं मैडम, तो नाम है इसका काला नमक। नमक, हरी मिर्च, काली मिर्च, इसमें सब डालना पड़ेगा। एक्चुअली चक्कर क्या है ना, ये भंडारे के चावल नहीं होते, एक्सक्लूसिव चावल होते हैं। जब कोई घर में रिश्तेदार आते हैं, जैसे जीजा आ जाए, फूफा आ जाए, उनके लिए बनता है। 1000 रुपए किलो का चावल है ये। साढ़े मुखो चाचा से। ए जे चाचा बाजा के लिए नहीं बनता है, ये जीजा और फूफा एक्सक्लूसिव चावल है। अरे ओ फूफा, बकवास बंद कर। अरे बहुत सुन ली तुम दोनों की, चाचा भतीजे, चाचा भतीजे। हमें ये चावल चाहिए क्योंकि हम स्पेशल लोग हैं और हम भंडारा ना स्पेशल करेंगे। अरे पूरे गांव में अल्लाह बचेगा कि हमने भंडारा किया। काले पानी के चावल हो चाहे पीले पानी के हो। अरे तो पैसे बोल, पैसे कितने चाहिए? 1000 रुपए किलो का चावल है, 10 किलो चावल ले लिया आपने। अरे भैया, 1000 रुपए किलो चावल और 10 किलो का गट्टा, मतलब 10,000 रुपए। बस 10,000 रुपए मैडम, हम कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। 500 रुपए तो वहाँ से लक्षद्वीप से यहाँ तक आने का खर्चा है इसका। उसका किराया भी तो हमसे लेगा, 1000 रुपए किलो चावल। अबे यार लाला, सही बात कर यार, मजाक के मूड में नहीं है। अरे भाई साहब, मजाक के मूड में मैं भी नहीं हूँ, रख दो मेरे चावल यहाँ पे, यहाँ से जल्दी बना दो। अरे रुको रुको रुको, मैं बात करती हूँ। अरे उसके अंदर सोने के सिक्के हैं और वो 10,000 ही तो मांग रहा है सोने के सिक्के का, 1 कैरेट मानो, मतलब कितना होगा उसके अंदर ना, पूरे में भर रहे हैं। देखो यहाँ से भी दिखना, अभी कोई वाली बात नहीं, पता कोई रख के भूल गया यार, तुम ले लो ना चिरना मत कराको। अरे जल्दी ले लो, तुम लोग तो पंचायत कर रहे हो, भंडारा कर रहे हो कि पता नहीं क्या मजाक कर रहे हो। अरे भंडारा कर, तू भी आना खाने, कड़ी चावल खाने आना। हाँ बिल्कुल आऊंगा, 1000 रुपए किलो का चावल हम तो कभी खा नहीं पाते, गरीब आदमी, आप जैसे लोगों के बदौलत खा भी लेंगे। ये लो। अरे वाह भाई, वाह भाई वाह, जय हो भगवान, जय हो, आपका भंडारा खूब बढ़िया हो। वो तो ठीक है, ये बताओ और चावल पड़ेंगे ये वाले? बस बस आ रहे हैं, पानी के जहाज से चलती है, रास्ते में ही है, कल ले लेना पूरा कट्टा। ठीक है मंगा लेना तू, अरे हम कल फिर आएंगे। और ऐसे चावल मंगाओ ना, ये काले पानी वाले चावल चाहिए हमें। और कट्टा खोलना मत है ना, खोलना मत। हाँ बिल्कुल नहीं खोलूंगा। ठीक है बहन जी, आइए फिर आइएगा। भाई मजा आ गया, अगर ऐसे ही लालची लोग मेरे पल्ले पड़ते रहे तो मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अभी उन्हें पता चलेगा कि उस चावल के अंदर सोने के सिक्के नहीं है, बल्कि चमकीला कागज चढ़ी हुई टॉफियां। मुझे क्या भरन दो, अपन को जेब भरन दो। अरे माई बाप, नमस्कार, आइए, क्या सेवा कर सकता हूँ आप लोगों की? अबे सेवा छोड़, साहब आए, चावल चाहिए, चावल दे। हाँ साहब, कौन सा चावल चाहिए? वो दे दूँ आपको, काला नमक चावल। काला पानी से आया साहब, पानी के जहाज से मंगवाता हूँ, बहुत बढ़िया, मात्र 1000 रुपए किलो। और अभी ना एक ग्राहक 10 किलो लेके भी आया साहब। हेलो फ्रेंड्स, इसमें तो सोने के सिक्के हैं। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ए, क्या हो गया, क्या खुसर मुसर कर रहे हो साहब आप लोग? क्या बात सुनना हमारी, केस के बारे में बात कर रहे हैं, क्या सुनना है? अंदर जा पहले यहाँ से, कर ले। सॉरी मैं बाप, गलती हो गई, नो प्रॉब्लम, गलती हो गई। आप ले लो चावल, खरीद लो साहब, 1000 रुपए किलो, आपके लिए 900 लगा दूंगा। साहब इसमें ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं, अगर हम सारे चावलों को ले लेंगे ना तो मालामाल हो जाएंगे साहब। ले ले। हाँ भाई जी साहब, ये चावल वैसे तुमने मंगवाए कहाँ से? मैं बता रहा हूँ साहब, इन चावलों का नाम है काला नमक चावल, आए हैं काला पानी से, पानी के जहाज से, बढ़िया चावल है, मजा आ जाएगा, 1000 रुपए किलो। लेकिन आप माई बाप हो, आपसे 900 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं लूंगा भाई, मुझे भी तो ऊपर वाले को मुंह दिखाना है। पता है हम तो दूसरी दुकान पे जा रहे थे चावल लेने के लिए, पर अभी एक लड़की और एक लड़का आया था ना, हमने उन्हें देखा, वो कैसे तुम्हारे चावल देख के एकदम पागल हो गए और पूरा कट्टा ले गए। अरे साहब, ये चावल है ही ऐसी चीज, 1 किलो चावल अगर बनाओगे ना तो 3 किलो हो जाता है, इतना तो लंबा बन जाता है चावल। अच्छा वैसे तुम्हें एक बात बताओ, इन चावलों में ना ये सिक्के पड़े सोने के। एक सिक्के पड़े? हाँ। अच्छा, हो सकता है किसने गलती से डाल दिया साहब, रहने दो साहब, मैं नहीं बेच पाऊंगा सोने के सिक्के के। अरे वाह वाह वाह, मेरे तो माला माल हो गया भगवान, मजा आ गया। सब ये सोने के सिक्का मुझे वापस कर दो। अरे तू याद तो कर, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कितने सारे चावल लड़के लड़कियों को दे दिए, वो कितने सिक्के ले रहे होंगे तेरे। अब सब जो गलती हो गई, अब मैं वैसी गलती नहीं कर। क्या ही क्या, ये सब मुझे क्या मालूम क्या है? ये चॉकलेट है, चॉकलेट।
लोगों को पागल बना रहा है। ये चॉकलेट रैप करी हुई तू इन चावलों में डाल देता है और लोगों को लगता है कि सोने के सिक्के यहाँ पे पड़े हैं। वो आवरता है और मैं सारे चावल तेरे यहाँ से लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। तुझे पता है अभी जो लड़का लड़की आए थे ना वो कोई और नहीं, वो सांप की भाई बहन थे। और वो जब घर पे लेके आए और सांप को दिखाया, देखो भैया हम आज सोने के सिक्के वाले चावल लेके आए, तब सांप ने देखा कि उसमें कोई सोने का सिक्का नहीं है, उसमें चॉकलेट पड़ी हुई है। लोगों को ललचाता है तू, उनसे ज्यादा पैसे लेता है। नहीं साहब गलती होगी साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, गलती से गिर गए होंगे साहब, मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया है। हाँ इसमें भी गिर गए होंगे, चिंडीगाम भी गिर गए होंगे, दालाराम भी गिर गए होंगे। मैं तो ना गिरूंगा थाने में, जब तेरा समझ में आओगी क्या कहानी है, अगर मैं बनाऊंगा सोने के सिक्के ने। अरे साहब मुझे ताने वाने मत ले जाओ साहब, मैं अपनी गलती मानता हूँ साहब। हाँ मैं ना ये चॉकलेट से चावलों में डाल देता था जिससे कि लोग लालच में आ जाए, और मेरा चावल ना 30 रुपए किलो का 1000 रुपए किलो में बिके साहब, मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दो साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे। अबे शर्म आनी चाहिए लोगों के साथ, दिन दहाड़े तुम फ्रॉड करना है। मैंने माना कि जितनी गलती तेरी है उतनी गलती उन लोगों की भी है, क्यों लालच में आके पूरे पूरे चावल ले जाते हैं, पर सबसे ज्यादा गलती ना तेरी है, तू लोगों को गुमराह कर रहा है ये चॉकलेट डाल डाल के। तुझे बेटा अब हम छोड़ेंगे नहीं, तो थाने में ले जाके ना इतनी मार देंगे ना कि कभी तू ये फ्रॉडगिरी करना भूल जाएगा। सर लेकर चलता हूँ मुझे, ये एक्सक्लूसिव चावल है, तेरा मैं दिखाऊंगा करता है करते विलायत मुझे माफ कर।